हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि। और बच्चों, आज जो आपका एक कॉमन डाउट है, क्योंकि सब लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं, टेंथ के टाइम पे सब फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देते हैं, तो सबके मन में एक डाउट रहता है कि किस तरीके से आंसर लिखे, किस तरीके से एग्जामिनर चेक करता है क्या जो पॉइंट्स है जो हमको बिल्कुल अपने पास रखने चाहिए, जो हमको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो उन सभी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है कि क्या अपन कौन कौन से पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, कलर पेन्स का यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल कोई पेन रखें। तो बच्चों, सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ये है कि ऑलवेज यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन्स। अच्छा, ब्लू एंड ब्लैक पेन से मतलब क्या है? ब्लैक से तो आपको लिखनी है हेडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले जो आप इसकी हेडिंग लिख रहे हो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, वो आपने ब्लैक से लिखा, और बाकी का जितना भी मैटर है सारा का सारा आप ब्लू पेन से लिखेंगे। तो ब्लैक से सिर्फ क्या लिखनी है बच्चों? हेडिंग लिखनी है। इसके अलावा कोई रेड पेन, पिंक पेन, इस तरह के कोई पेन लेकर भी मत जाना, क्योंकि ये ना तो अच्छा लगता है और वो क्या रहता है कि आप लोगों को कहीं से भी अच्छे से प्रेजेंटेशन में हेल्प नहीं करेगा। तो आप सिर्फ क्या यूज करें बच्चों? ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूज पेंसिल फॉर डायग्राम्स। क्या होता है कि जैसे अपन एग्जाम करते हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है दिमाग में, तो अपन क्या करते हैं डायग्राम्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा होता है फिर जब डायग्राम्स बनाने का टाइम होता है तो पेन पेंसिल का कौन यूज़ करे, जल्दी पेन से ही बना देते हो। अगर आपने डायग्राम अच्छा भी बनाया है, कहीं ना कहीं वो क्या है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल में काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो जो आपके बारे में सोच रहा होगा वो थोड़ा गलत वे में जाएगा। क्योंकि देखो, एग्जामिनर कोई आपको पर्सनली जानता नहीं है, वो सिर्फ आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपने लिखा है जिस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे उसी के वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पेंसिल से ही हमेशा अपना डायग्राम बनाएं, क्योंकि बेस्ट वे बच्चों वही होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑलवेज मेंशन सेक्शन ऑफ एन आंसर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सबसे पहले आप जो सबसे ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है वो करते हो, जैसे कि जो 5 मार्क के क्वेश्चन है तो वो वाले क्वेश्चन आप सारे करते हो जो सेक्शन सी में मोस्टली होता है। तो आप सेक्शन सी जरूर डालें बच्चों, क्योंकि ये क्या है आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल में हेल्प करता है। आप ये सेक्शन सी डाला, फिर जो भी आपका आंसर नंबर है उसको डालो, उसकी हेडिंग डालो और आंसर लिखो। जितना हो सके ना हेडिंग को इंक्लूड करो आंसर्स में, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप सब हेडिंग डाल रहे हो, वहाँ पर लिख रहे हो सबसे पहले ट्रेकिया के बारे में, फिर आप लिख रहे हो एल्वियोलाई के बारे में, तो उनको सब हेडिंग में डिवाइड करोगे ना। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी कॉपीज होती है उसको चेक करनी होती है, तो वो क्या करता है आपको एक क्या करता है, सिर्फ हेडिंग पढ़ता है या जो आप अंडरलाइन करते हो वो पढ़ता है। तो क्या करना है आपको, जो भी आप लिख रहे हो उसको मेक श्योर करो कि आप हेडिंग वे में लिखो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हेडलाइन, उसको क्या कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि आप जितना अंडरलाइन करोगे उस पॉइंट्स को ही पढ़ेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल बच्चों इस बात को मेक श्योर ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हर कुछ, एक तो पूरी कॉपी को अंडरलाइन कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही अंडरलाइन करना है। चलो, स्टार्ट विथ लॉन्ग आंसर फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि क्या होता है एक पूरा एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं जिसमें 2 मार्क है, 1 मार्क है, 5 मार्क है, ठीक है, फिर MCQ बेस्ड वाले हैं, तो ये सारे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपका कंज्यूम कर रहा है मार्क्स उसको करना सबसे पहले चाहिए, और इसी के साथ में जो आपको सबसे ईजी लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन सी में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आते हैं, जो 5-5 मार्क के हैं, तो सबसे पहले आप उनको अटेंड करोगे सेक्शन सी लिखकर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, हेडलाइन कर दो, उनको अंडरलाइन कर दोगे, हेडलाइन नहीं अंडरलाइन, ओके। नेक्स्ट विल बी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो आपके आंसर्स होते हैं वो सारे के सारे आंसर्स कैसे होने चाहिए बच्चों, वो आपको फुल आंसर्स लिखने। अच्छा, इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। जैसे आपका कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यहाँ पर कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसका जो आंसर है वो बी आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करा, सिर्फ आंसर बी लिख दिया, ये बहुत ही गलत क्या है रिप्रेजेंटेशन है। आपको क्या करना है, आंसर बी लिख के, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है तो आंसर बी लिखकर आपको वहां पर लिख देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे क्या होगा बच्चों, आपको आपका ऑप्शन लिखकर उसका आंसर भी लिखना है, ये बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है। कहीं बार जल्दी जल्दी पैनिक सिचुएशन में अपन गलत ऑप्शन भी क्लिक कर देते हैं तो वो आंसर क्या होता है आपको कहीं ना कहीं जो आपका आंसर है वो सही हो जाता है। इसलिए पूरा प्रॉपर आंसर लिखे, विद ऑप्शन लिखे बट प्रॉपर आंसर लिखे, ओके। चलो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन, यार सबसे कॉमन मिस्टेक,
सब करते हैं बोर्ड्स में, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने बोर्ड्स में ये मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि सब ने करी है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन रहती है, आपको बिल्कुल डर लग रहा होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा पेपर 3 घंटे में, इस तरह के सारे डाउट्स रहते हैं, और इसी की वजह से आप ये कर देते हो वहाँ पर, बहुत ही कॉमन गलती कर देते हो, इसीलिए बार बार उसको रिवाइज कराया जा रहा है, क्योंकि आप ये पॉइंट्स अपने माइंड पे रखें जैसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनमें यूनिट कन्वर्जन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, मेंशन हेडिंग इन आंसर, जैसे कि मैंने आपको बोला क्या करना है, आपके हर एक जो आंसर है उनके अंदर हेडिंग को मेंशन करें, जितनी ज्यादा हेडिंग रहेगी उतना ही ज्यादा बिल्कुल आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है आपके आंसर्स में वो दिखेगी। जैसे कि मैंने बताया आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी सब हेडिंग डाल सकते हो, डाइजेशन कर रहे हो तो हर एक पार्ट को, जैसे माउथ अलग कर दिया, फेस ऑफ फेगस अलग कर दिया, ऐसे सब हेडिंग्स में डालोगे तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंपल कट। अच्छा, सिंपल कट का मतलब क्या है? बहुत बार क्या होता है यार, बहुत कॉमन सी मिस्टेक हो जाती है, आपका जो पूरा आंसर है वो गलत हो जाता है या थोड़ी बहुत लाइंस गलत हो जाती है, तो आप क्या करते हो पूरा ऐसे ऐसे कुछ करते हो, कुछ भी गंदा सा कुछ कर देते हो जो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, बहुत ही खराब लगता है। एक सिंपल कट करो, जैसे आपका गलत हुआ तो आपने एक सिंपल सा कट कर दिया, दैट इज द परफेक्ट वे। ठीक है बच्चों, चलो आपको अब ऐसा करते हैं कुछ कॉपीज दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले आंसर्स पे अगर फोकस करें तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी बच्चों, कि यहाँ पर आंसर लिखा है और आंसर के बाद उसका डायग्राम बनाया। एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है, जिन जिन क्वेश्चंस में आपके डायग्राम बन सकते हैं उनमें डायग्राम बनाने का ट्राई करें, पहले जो उनकी थ्योरी है वो लिखे और डायग्राम बना दे। फिर आते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्या होता है आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो डिस्टिंग्विश में एक बच्चे क्या करते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल पैराग्राफ वाइज लिख देते हैं। कभी भी आपको डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन को पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, वो हमेशा ऐसे सेक्शन में डिवाइड होगा और फिर उनके पॉइंट्स लिखे जाएंगे। बिल्कुल बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, जो भी डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन है उनके बीच में आप एक लाइन खींचे और फिर उनको करें। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे एक न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपने उसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन था तो उसका डायग्राम यहाँ बना दिया और यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया। लास्ट में जैसे कि मैंने बोला यूनिट कन्वर्जन का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एक सिंपल कट। अगर मान लो आपका इतना पूरा पैराग्राफ गलत हो गया तो आप नॉर्मली क्या करते हो, पूरा ऐसे ऐसे कुछ इस तरह के गंदी तरीके से पूरा उसको कट करते हो, जो कि बहुत ज्यादा क्या लगता है, बेकार लगता है, प्रेजेंटेबल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से कट हो रहा है बिल्कुल सिंपली वैसे ही कट करना है। बच्चों ये जो मैंने कॉपीज ली है, ये सारी कॉपीज बच्चों मैंने कौन सी ली है, जो आपको कहाँ मिल जाएगी, CBSE का जो ऑफिशियल जो CBSE आंसर शीट डालती है, आपको एक मॉडल आंसर शीट डालती है जिससे आप चेक कर सको कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो वहीं से ये सारा जो मैटर है वो लिया गया है। तो बच्चों बिल्कुल ये जो CBSE ने ऑफिशियली डाला है वही आंसर शीट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसी के साथ बच्चों जो आपका ये वीडियो है ये आपका वीडियो फिनिश होता है, और इसी के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये मॉडल पेपर खुद से देखने हैं, पूरा एक पूरा रिप्रेजेंटेशन चाहिए किस तरह से एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ वहाँ पर बहुत सारे PYQ मिल जाएंगे और आपको DPP मिल जाएंगे, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही है तो बच्चों अभी जाकर ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाओ। Thank you so much.